आज का दिन ईद गदीर के उनवान से बहुत ही मुतबरिक मुबारक दिन है। और आज के दिन सन 11 हिजरी में जनाब रसूल खुदा ने 18 ज़िलहिज के दिन ही मौलाए कायनात की विलायत का ऐलान किया था। अल्लाह ने हुक्म फरमाया था, ए रसूल वो पैगाम पहुंचा दीजिए जो जिसका हुक्म हमने आपको दिया है। लिहाजा रसूल खुदा ने कजावों का मेंबर बनाया और मेंबर के ऊपर जाके मौलाए कायनात को हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अपने हाथों पर बुलंद करके फरमाया, मन कुंत मौला हो फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली इब्न अबी तालिब मौला है। लिहाजा इस विलायत की खुशी में, खिलाफत की खुशी में हम सब अहले सुन्नी और सारे के सारे जो मुसलमान हैं, जो अली से मोहब्बत करने वाले हैं, वो सब के सब मिलजुल के आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, एक दूसरे को खुशी बांटते हैं, ताकि रसूल खुदा की मोहब्बत उनकी रज़ायत को, अल्लाह की रज़ायत को हासिल कर सकें। अल्लाह हमसे राज़ी हो और अल्लाह का रसूल भी हमसे राज़ी हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मोहम्मद शफी जी ने एक शबीब का खाने पीने का एक इंतज़ाम रखा है जो गरीबों में अच्छी तरह से बांटा गया, जिसमें हर आदमी ने शिरकत की है, हिंदू मुस्लिम सरदार। जैसा कि आपने देखा होगा कि सारी मार्केट से जितने भी लोग हैं, हर किस्म का आदमी यहाँ पे आया है और अच्छे से इस प्रोग्राम को किया गया है। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपने सभी भाइयों से ये निवेदन करूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम बार बार किए जाएं। और पुराने हमारे किसी भी, आप गुरु ग्रंथ साहब ने, रामायण ने, गीता ने, कुरान पाक ने, हर एक किताब में ये लिखा गया है कि जितनी भी ये खाने पीने की चीज़ें हैं या इनको बांटने से ये बढ़ती हैं, आदमी के जो ग्रह हैं, जो उसके आपके ऊपर मुसीबतें हैं वो टलती हैं। तो और सबसे बड़ी बात यह रहती है कि जो गरीब आदमी है, जो कुछ अच्छी चीज़ें नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनका मन भी करता है कि मैं ये अच्छी चीज़ खाऊं। कई बार क्या होता है कि उनके पास पैसे नहीं होता है, तो वो लोग भी इस ऐसे प्रोग्राम करने से उनका मन भी खुश होता है। और कहते हैं कि जब एक गरीब खुश होता है तो भगवान खुश होता है। बाकी कुछ ना कहते हुए मैं सबका शुक्रिया।